शरीर नश्वर है, आत्मा का ही कल्याण करो, इस मान्यता को आखिरी सांस तक अपनाते हुए केवल और केवल जो दूसरों की खुशी के लिए जिए, ऐसे ज्येष्ठ व्यक्ति स्वर्गीय छगनलाल जी कवाड़ अपने 84 साल के जीवन सफर में, जिन्होंने अपने घर परिवार और समाज के लिए एक अलग ही मिसाल कायम की है, वो हैं स्वर्गीय छगनलाल जी कवाड़। आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन सफर के अनेक पहलुओं को दर्शाती हुई इस डॉक्यूमेंट्री पर। श्री छगनलाल जी चुनीलाल जी कवाड़, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1940 में मिठोड़ा सिवाना राजस्थान में हुआ। छगनलाल जी का मूल निवास मोकलसर, जिला बाड़मेर। वे अपने घर के ज्येष्ठ पुत्र थे, इस कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों को उन्होंने बड़ी ईमानदारी से निभाया। केवल 13 वर्ष की उम्र में चौथी कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको चेन्नई में व्यवसाय सीखने के लिए भेजा गया। आइए उनके परिवार पर एक नजर डालते हैं। छगनलाल जी का विवाह 1964 में फागण सूद बीज के दिन काजू देवी से हुआ। अभी वैवाहिक जीवन की शुरुआत ही हुई थी तभी उनकी 27 की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। अपने पिता के देहांत के बाद अपनी मातोश्री लहरोबाई के सहयोग से पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। इन सब प्रसंगों में से छगनलाल जी के व्यक्तित्व में मौजूद संवेदनशीलता, कड़ी मेहनत, परिश्रम और साहस, इन गुण विशेषों का परिचय होता है। परिवार के बड़े भाई होने के नाते सभी आर्थिक जिम्मेदारियां निभाने हेतु छगनलाल जी को चेन्नई भेजा गया था। तब चेन्नई में लगभग 6 साल बारीकी से सीखते हुए 18 साल की उम्र में उन्होंने गदग में आजाद कैप हाउस इस नाम से पहला व्यावसायिक उपक्रम शुरू किया। भले ही चौथी कक्षा तक पढ़े हो, फिर भी छगनलाल जी को हर समय कुछ नया सीखते रहने की चाह थी। जमाने में हो रहे नए बदलाव, नई तकनीक, सामान्य ज्ञान, कायदे कानून, भिन्न भिन्न भाषा का विशेष ज्ञान वे रखते थे। कारोबार से जुड़े हर दस्तावेज, फाइलिंग का नियोजन, व्यवस्थापन, इनके बारे में वे आग्रही थे। जीवन भर उन्होंने अनुशासन का पालन किया और यही अनुशासन आज उनके परिवार को आदर्श परिवार होने में मददगार साबित हुआ है। 3 सितंबर 1970 में लगभग 30 साल की आयु में व्यावसायिक विस्तार हेतु उन्होंने जापान एक्सपो में अपना सहभाग दर्शाया। जापान में आयोजित इस बिजनेस टूर में शामिल होना छगनलाल जी की तकनीकी दूरदृष्टि दर्शाता है। इसी दौरान धर्म आचरण के मार्ग पर चलते हुए छगनलाल जी कवाड़ ने उपधान तप की साधना की और यही उनके जीवन का चुनौती से भरा मोड़ था। उपधान से बाहर आते हुए कुछ समय ही बीता था तब उन्हें बेहद बड़ा आर्थिक व्यावसायिक नुकसान सहना पड़ा, पर धर्म पे अपनी श्रद्धा कायम रखते हुए मात्र अगले 3 सालों में छगनलाल जी ने उस नुकसान की भरपाई कर दी। तभी छगनलाल जी कवाड़ ने सोलापुर शहर में बेबी वेयर के नाम से गर्ल्स गारमेंट व्यवसाय की नींव रखी। छगनलाल जी ने अपने बेटों के साथ ही अपनी बेटियों को भी व्यवसाय में विविध क्षेत्रों में काम का अनुभव लेने हेतु प्रेरित किया। बेटी या बेटे में कोई भी फर्क ना करते हुए इस जमाने में भी बेटियों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी और बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। मराठी, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर वे हमेशा पढ़ते थे और अपने बच्चों को भी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। अपने व्यवसाय के चलते छगनलाल जी कवाड़ ने अपनी कठोर साधना से जप, तप, उपवास आदि धर्म में बताए हुए नियमों का बड़ी आसानी से अंगीकार किया। रात 12 बजे सोना और सुबह 4 बजे उठना ये उनका नित्यक्रम था। नित्य गर्म पानी, 5ों तिथि पालन में उपवास, अट्ठम और 14 को पौषध, इस तरह छगनलाल जी धीरे धीरे धर्म में अग्रेसर होते गए।
स्वाध्याय, पूजा पाठ ये शुरुआती नित्य नियमों का पालन करके साथ ही अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। उस जमाने में भी स्त्री पुरुष समानता का पुरस्कार करते हुए स्कूल की पढ़ाई के साथ ही धर्म और संस्कार आचरण का अनमोल तोहफा छगनलाल जी ने अपने बच्चों को दिया। 1995 में उन्होंने श्रावक के 12 व्रत धारण किए, 12 व्रत का संपूर्ण पालन किया। 1976 में गदग में, 2010 में मांडवला जहाज मंदिर, 2015 में विडालियम पुणे, इन जगहों पर उपधान तप किया। जैन धर्म में सबसे कठिन माना जाने वाला आयंबिल तप अपने बच्चों की शादी में तथा घर के हर मांगलिक प्रसंग में छगनलाल जी ने आयंबिल करके ही नियम का पालन किया। भगवान महावीर ने जैसे 229 बेले किए वैसे मैं भी करूंगा, इस भावना से उन्होंने 2 वर्षीय तप में ही छठ करके शुरुआत के करीब करीब 168 बेले कर भी लिए थे। इसके अलावा 10 तिथि पालन, साधर्मिक भक्ति, दीक्षार्थियों की भक्ति, ज्ञान पंचमी पारणे, साश्रवती ओली के पारणे, हजारों से ज्यादा सामायिक घड़ी वितरण, आयंबिल की ओली, 47 वर्धमान तप, अतिथि संविभाग व्रत, संखेश्वर व भिलड़ी याजी यात्रा आदि नियमों का पालन करने वाले ज्येष्ठ व्यक्तियों में से एक थे छगनलाल जी कवाड़। अहिंसा परमो धर्म, भगवान महावीर की इस सीख को अपने जीवन में अनुसरण करते हुए हर दूसरे जीव के प्रति आदर भाव रखना, उनका सम्मान करना, पशु प्राणियों की रक्षा करना, समाज में विशेषतः जैन धर्म के संस्कारों नीति मूल्यों के प्रसार कार्य को आगे बढ़ाते हुए श्री छगनलाल जी कवाड़ ने समाज में आदरणीय स्थान पाया है। 16 अप्रैल 2010 को जूनी मिल मंदिर जीर्णोद्धार बाद मूलनाथ शांतिनाथ भगवान की स्थापना उन्होंने की। प्राणी मित्र विलास भाई शाह के नेतृत्व में सोलापुर के अवैध कत्तलखाना के विरोध में 9 दिन निर्जल और निराहार उपवास किए। इस वजह से ये अहिंसा आंदोलन सफल रहा। छगनलाल जी एक सच्चे प्राणी मित्र थे। सोलापुर में उन्होंने प्राणी रक्षा व शाकाहार प्रसारक ट्रस्ट इस नाम से संस्था शुरू की है। छगनलाल जी कवाड़ हर अमावस को सभी गौशाला में जाकर स्वहस्ते गायों को पोषण आहार खुराक खिलाते थे। समाज स्वस्थ रहे, सभी को शुद्ध अन्न धान्य मिले, इस हेतु ऑर्गेनिक खेती और गौशाला का निर्माण करने में उनका अमूल्य योगदान रहा है। समाज में लोगों को अच्छे कार्य करने में अगर कोई तकलीफ हो रही है तो पत्र व्यवहार के माध्यम से छगनलाल जी इस बात पर आवाज उठाते थे और पत्र व्यवहार के माध्यम से सरकार दरबार तक इस प्रॉब्लम को पहुंचाने का नेक कार्य भी करते थे। जैन आर्ट ऑफ लिविंग, जैन जीवन शैली का महत्व समाज के हर घर तक पहुंचने के लिए जैन जीवन शैली किताब हजारों को वितरित की। अपने अंत समय में प्रकृति अस्वस्थ होने के बावजूद भी धर्माचरण का पथ उन्होंने नहीं छोड़ा। ये आश्चर्यकारक योगायोग ही है कि अपनी माता लहरोबाई के देहांत की तिथि पर ही इन्होंने भी उसी तिथि को और उसी समय पर शांति और समाधान से अपनी अंतिम सांस ली। अपने संपर्क में आए हुए कई व्यक्तियों को व्यावसायिक मदद हो या फिर रात्रि भोजन त्याग की प्रेरणा हो, श्री छगनलाल जी कवाड़ ने हमारे परिवार, समाज तथा अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने अहिंसा, जीव दया, कठिन परिश्रम, संस्कार, धर्माचरण, इन सभी नीति मूल्यों का एक अनोखा मार्ग दिखाया है। श्री छगनलाल जी कवाड़ की धर्म पर इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने अपना अगला जन्म किस भव में हो ये भी लिख कर रखा है और प्रभु से उसकी प्रार्थना करते थे। अगले भव में जहां तीर्थंकर भगवान विचरते वहां जन्म हो, 8 वर्ष की आयु में उनसे संयम लेकर मोक्ष के आराधना के लिए सर्व क्रिया व तप भाव से करने के लिए ज्ञान, बुद्धि, शक्ति व तप करने का संकल्प करता हूँ।
शासन के सर्व देव देवी मनोकामना पूरी करने के लिए विनंती करता हूं। समाज के ज्येष्ठ व्यक्तित्व छगनलाल जी कवाड़ ने दिखाए हुए इस मार्ग पर चलने का प्रयास हम पूरे मन और लगन से करेंगे। यही इनके कार्य को भावभीनी श्रद्धांजलि होगी। स्वर्गीय छगनलाल जी कवाड़ को शत शत नमन। ओम शांति।